नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड कहां कहां जुड़ा हुआ है, किस बैंक अकाउंट में जुड़ा हुआ है, किस बैंक में जुड़ा हुआ है, अगर आप घर बैठे जानना चाहते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने फ़ोन से ही आप चेक कर सकते हैं कि कहां कहां किस बैंक में आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। आपके फ़ोन में जो भी ब्राउज़र हो उसको ओपन कर लीजिए। हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ टाइप करना है UIDAI, इसको सर्च कर लेना है। सर्च होने के बाद यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे वाला ऑप्शन UIDAI, तो हमें इस पर चले जाना है। इस पर जैसे जाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है बहुत सारे ऑप्शन खुल करके। तो हमें यहाँ पर जाना है तीसरे वाले नंबर पर। यहाँ देख सकते हैं पहला आ रहा है गेट आधार, दूसरे पर अपडेट आधार, तीसरे पर आ रहा है आधार सर्विसेज, तो हमें आधार सर्विसेज पे चले जाना है। जैसे इस पर जाएंगे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे खुल करके आ गया है वेरीफाई आधार, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आधार लिंकिंग स्टेटस यहाँ पे आ गया है। सब ऐसे स्क्रॉल डाउन इसको करके जाएंगे नीचे, देख सकते हैं यहाँ आधार लिंकिंग स्टेटस, तो यहाँ पर हमें इस पर चले जाना है। इस पर जैसे जाएंगे, जाने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोल रहा है और कैप्चर आ गया है। तो चलिए हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड नंबर और यहाँ पे जो कैप्चर कोड आ रहा था इसको डाल दिए हैं। दोस्तों अगर आप में ये कैप्चर कोड शो नहीं करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैप्चर कोड के बगल में यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, रिफ्रेश होकर के दूसरा कैप्चर कोड आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सेंड OTP पर चलते हैं। अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चर कोड दोनों डाल चुके हैं। देखिए जैसे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि OTP डालने के लिए यहाँ ऑप्शन नीचे आ गया है। देखिए मेरे पे OTP भी आ चुका है, तो चलिए हम अपना OTP डालते हैं। दोस्तों यहाँ पर अपना OTP भी डाल चुके हैं, अब यहाँ से सबमिट करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है कि स्टेटस आ गया है माय आधार सर्विसेज, यहाँ पर जो है कि चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, यहाँ पर देखिए आ गया है लिख करके कंग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो है कि हमारा बैंक लिंकिंग स्टेटस एक्टिव दिखाई दे रहा है, और जो है कि यहाँ पे उसके नीचे बैंक लिंकिंग डेट, यहाँ देखिए डेट भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे किस बैंक में जुड़ा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों आप भी अपना इस तरह से अपना देख सकते हैं डाल करके अपना आधार नंबर कि आपका आधार कौन कौन से बैंक में जुड़ा हुआ है। तो अगर आप अपना आपके पास कई खाता है तो वहाँ पर भी आपका दिखाएगा किस किस अकाउंट में आपका जुड़ा हुआ है आधार नंबर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।